आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। सतना का जिक्र सबसे पहले कर दें, नौकरी लगवाने के नाम पर यहां वसूली की गई है। आंगनवाड़ी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया, रकम तक ले ली गई। परियोजना दफ्तर के कर्मचारी ने 75,000 रुपए लिए। लेन देन का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये संभावित तौर पर बताया गया है कि पहले रकम ली गई, उसके बाद जैसे ही वीडियो रिलीज हुआ तब इस बारे में पुष्टि होती है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रकम वसूली गई आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी लगवाने के नाम पर। तस्वीरें अगर आप देखें तब आपको धीरे धीरे कर नजर आएगा किस प्रकार से नोटों की गड्डी इस व्यक्ति के हाथ में होती है। ये वो खास तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कि इस मामले को लेकर पुख्ता होता हुआ सबूत भी पुलिस के हाथ लग चुका है। नागौद परियोजना क्रमांक 1 का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेन देन का वीडियो लगातार वायरल। सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, चौंका देने वाला तस्वीर एक बार फिर से सामने आती हुई, लेकिन बड़ी बात यह कि बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार से ठगी होने लगी आजकल। शिवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर में दिख रहा है ये महिला बाल विकास का ये भित्त के पद पर पदस्थ है। इसका नाम मेघराज चतुर्वेदी है और ये वर्तमान में नागौर परियोजना में पदस्थ है और ये बहुत ही साथी से अवैध वसूली करता है। इसके पहले भी उचेरा परियोजना में भी इसने वसूली की थी, जिसकी शिकायत हुई थी और इसको हस्तांतरित करके नागौर भेजा गया था। नागौर में इसने दो पंचायतों में जो आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के नाम पर 1-1 लाख रुपए में सौदा किया था और एक सतना शहर के घूडांग जो नगरीय निकाय में आता है उस वार्ड में सहायिका की नौकरी के नाम पर 1 लाख की वसूली का प्रयास किया। अब तक इसने 2.25 लाख रुपए की वसूली की है। 75,000 रुपए लेने का वीडियो वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है। इस संबंध में जो महिला बाल विकास विभाग की आला अधिकारी है उनका कहना है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपको सबसे चौंकाने वाली बात बता दूं कि ये पिछले 4 से 5 महीने से अवकाश पर है और इसने आवेदन दे रखा है कि वो हेड इंजुरी से परेशान है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन 27 दिसंबर को ये व्यक्ति वसूली कर रहा है तो कुल मिला के विभाग को भी गुमराह कर रहा है और अपने निरंतर सामने आना ये बताता भी है कि शायद कार्रवाई ठोस नहीं हो रही है, इसी के चलते लोग इतने बेखौफ हैं। जी निश्चित ये जो कर्मचारी है वसूली के मामले में काफी बदनाम हो चुका है। कई बार शिकायतें हुई, निलंबन हुआ, स्थानांतरित हुआ, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इसी के कारण इसके हौसले बुलंद है और इस तरह की वसूली कर रहा है। ठीक है, बहुत जरूरी शिवेंद्र के इस मामले में अब कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में अब शराब ठेकेदारों के लिए नियम बदले गए हैं। ठेकेदारों को ई बैंक गारंटी अब जमा करानी होगी। सरकार के खजाने में 4,000 करोड़ रुपए से जमा हुए। कई ठेकेदार सरकार को चूना लगा रहे हैं। फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। ठेका मिलने के 3 दिन के अंदर ये राशि अब आपको जमा करानी होगी। मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर नियम है, बड़ा मामला, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसे मामले देखे हैं जिसमें राजस्व का नुकसान मध्य प्रदेश को होता रहा है, लेकिन प्रदेश को आगे आने वाले समय में कोई नुकसान झेलना ना पड़े इसके लिए पहले से ही ई बैंक गारंटी ठेकेदारों को जमा कराने के नियम अब सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। सरकार के खजाने में 4,000 करोड़ रुपए इसके चलते पहले जमा होंगे। कई ठेकेदार सरकार को चूना भी लगा रहे हैं फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के साथ ही तमाम ऐसे मामले हमने देखे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, नया नियम क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जानकारी इस पर। देखिए, बिल्कुल नई आबकारी नीति में जो प्रावधान किए गए उसमें सबसे बड़ा फैसला शासन ने ये लिया है कि अब ई गारंटी के जरिए ही जैसे ही शराब दुकान का आवंटन होगा ठेकेदारों को भुगतान करना होगा और सारा जो ई डिजिटल के माध्यम से ही सारी उस पर सरकार नजर रखेगी। अभी तक ये होता था जो इसके पिछले साल तक जो आबकारी नीति उसमें डीडी के जरिए ये पेमेंट जमा करते थे तो करीब 100 करोड़ रुपए का ऐसा गड़बड़ झाला सामने आया था जिसमें ठेकेदारों ने फर्जी बैंक गारंटी लगा दी थी और इस मामले में शासन प्रशासन इंदौर, उज्जैन, भोपाल कई बड़े जगहों पर कार्रवाई भी कर चुका है। इस बार इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया, नई व्यवस्था में अब ई बैंक गारंटी होगी और उसी के माध्यम से
तीन दिन के भीतर शराब ठेकेदारों को पैसा जमा करना होगा, उसके बाद ही उनको दुकान आवंटन का अधिकृत लाइसेंस मिल सकेगा। तो सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी कर दिया है और पिछले साल की जो 100 करोड़ की वसूली उसके लिए भी कार्रवाई तेज कर दी और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही आगे भी उन्हें कभी भविष्य में ठेके ना मिल सके इसके भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब जरा सोचिए, आप वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में भूख लगी तो खाना ऑर्डर किया, लेकिन जो खाना आपको सर्व किया गया उसमें कॉकरोच निकला है। भोपाल जबलपुर वंदे भारत में सफर कर रहे एक यात्री के साथ हूबहू ऐसा हुआ है। मामला सामने आने के बाद रेलवे में भी हड़कंप की स्थिति, देखिए पूरी रिपोर्ट। वंदे भारत ट्रेन शानदार सफर के लिए जाना जाता है। बात रफ्तार की हो या ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की, हर चीज के लिए बेहतरीन। लेकिन ट्रेन में यात्रियों को जो खाना परोसा जा रहा है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये कोई रेसिपी नहीं, वंदे भारत में यात्री को दिए गए इस खाने में कॉकरोच है। जी हाँ, ट्रेन में यात्रियों को खाने के नाम पर कॉकरोच दिया जा रहा है। मामला भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन का है। ट्रेन में एक यात्री ने खाना बुक किया था, लेकिन जो खाने की दो थाली दी गई उसमें कॉकरोच था। नाराज यात्री ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी और रेल मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की गई, जिसके बाद रेलवे में हड़कंप मच गया और फौरन कार्रवाई भी की गई। रेलवे ने केचिंग ठेकेदार पर 45,000 का जुर्माना भी लगाया। ये IRCTC द्वारा इसमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो हमने उनको भी संज्ञानित किया है और इसके अलावा 20,000 रुपये डिवीजन ने अपने माध्यम से इसमें फाइन लगाया है। साथ ही मुझे बाद में मालूम पड़ा 25,000 रुपये IRCTC द्वारा भी उस वेंडर पर फाइन लगाया गया है। तो हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमेशा अच्छा खाद्य पदार्थ मिले यात्रियों को और उनको कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ट्रेन में खाने की गुणवत्ता को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन के खाने में कॉकरोच मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि अपने देश के लिए मेडल जीते, लेकिन अपने सपनों के आगे अगर गरीबी की दीवार खड़ी हो जाए तब आप क्या करेंगे। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन भी हुआ, लेकिन आर्थिक संकट इनकी कामयाबी के बीच रोड़ा बन रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 16 से 25 फरवरी तक दुबई में होने जा रही है। जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप हो रही है। इस प्रतियोगिता में 127 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत से भी 49 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ कराटे फेडरेशन के बिलासपुर के 3 खिलाड़ियों हेत्रो महानंद, देवाशीष और स्नेहा बंजारे का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए हर खिलाड़ी पर करीब 2,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। हाँ, ये तो बात एकदम सही है। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, तो पैसे का तो बहुत दिक्कत है, लेकिन अब इस खेल में एक दीवानगी है, हमको अपने भारत के लिए खेलना है और ये अवसर मिला है तो इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों का मदद लेकर के कर्ज के रूप में अभी मैं पैसा लेकर के टिकट वगैरह करवाया हूँ, ताकि मैं ये अवसर ना खोऊँ। मेरे को भारत देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि माँ भारती के लिए मैं पदक प्राप्त करके लौटूँ। झाड़ू पोछा और रिक्शा चलाकर जीवन यापन करने वाले इन गरीब परिवार के बच्चों के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना बड़ी परेशानी बन गई है। इनके परिवार ने भूखे प्यासे रहकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी तो बना दिया, लेकिन 7 समंदर पार होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ना तो उनके पास फ्लाइट की टिकट है, ना ही वहाँ ठहरने खाने पीने की कोई व्यवस्था। ऐसे में खिलाड़ी और परिजन जन प्रतिनिधियों और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं।
तकलीफ से पाले हमारा बेटा को, झाड़ू पोछा करके भी हमारा बेटा को आगे बढ़ाए हैं, एसी करके आगे बढ़े हमारा बच्चा। तो किसी को पैसा मांगते थे, किसी को क्या करते थे, हमारा बच्चा कहीं जाएगा, हमारा बेटा भी ऐसे आगे बढ़ेगा, अब दूसरे जैसे दिखेगा, दूसरे से चलेगा। हम इतना तकलीफ से पाल रहे हैं, लोग दूसरे दे हो रहे हैं, हम गरीब लोग क्या करेंगे, इसीलिए हमारा बेटा को आगे थोड़ा से बढ़े बोल के कहीं भी दो रोटी खा के एक रोटी बचा के हमारा बेटा को आगे बढ़ाए। दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक संकट इनकी कामयाबी की उड़ान में रोड़ा बन रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनकी मदद करे ताकि देश के लिए ये मेडल जीत सके और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सके। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। और अब जिक्र करेंगे कर्नाटक का, जहां से एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद उनकी खूब आलोचना भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि उसने अस्पताल